हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा उरर हब में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देने वाला हूं आपको एक नुस्खा देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, क्या नुस्खा बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो जनरेशन है, चाहे इसमें मैरिड हो या अनमैरिड हो, सभी के लिए क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, क्या है ये नुस्खा, क्या है इसमें पांच कंपोनेंट रखे हैं यहां पे इस नुस्खे में। पांच कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, उनका यूज क्या है, उनका वन बाय वन जानेंगे, उनका यूज क्या है, कैसे उनको यूज करते हैं और कैसे कैसे उनको लेना है, क्या क्या उनके फायदे हैं, सभी बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, क्या है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी युवाओं के लिए, चाहे वो क्या है, चाहे वो एथलीट हो या किसी भी एथलीट, किसी भी गेम से जुड़ा हो, किसी भी स्पोर्ट से जुड़ा हो, जिम करता हो या फ्रेंड्स क्या एक्सरसाइज करता हो अपने, या क्या है मैरिड कपल है या अनमैरिड है, सभी के लिए क्या है इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, क्या है इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी वहां से कुछ मोटिवेशन मिल सके और आपका फ्रेंड भी कुछ सीख सके यहाँ से। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले आज के नुस्खे के बारे में। इस नुस्खे में हमने यहाँ पर क्या है पांच कंपोनेंट को रखा है, उनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे और कैसे उनको यूज करना है सभी जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो में कि नुस्खे में कंपोनेंट कौन कौन से। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले कंपोनेंट देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट रखे हैं यहाँ पर इस नुस्खे में। तो फ्रेंड्स, इसमें नंबर वन रखा है यहाँ पर अश्वगंधा रखा है, आप देख सकते हैं। क्या है अश्वगंधा, अपने आप में क्या है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपने इसका नाम सुना होगा, आपने देखा होगा कि मार्केट में आजकल इसके नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट आते हैं, जैसे पंतजलि का भी आता है यहाँ पर, आप देखते हैं ट्रू बेसिस का भी आता है यहाँ पर, क्या अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कंपोनेंट देखने में। दूसरा कंपोनेंट है फ्रेंड यहाँ पे गोखरू है, जो क्या है अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली है, उसके बारे में बात करेंगे वन बाय वन जानेंगे। तीसरा देख लेते हैं फ्रेंड यहाँ पर सफेद मूसली देख लेते हैं, क्या है ये सफेद मूसली होती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर फोर्थ कंपोनेंट है इसका क्या है शिया मूसली है। शिया मूसली दो टाइप की मूसली होती है, एक सफेद मूसली होती है, दूसरी शिया मूसली होती है। और नेक्स्ट यानी लास्ट कंपोनेंट है इसका फ्रेंड शतावरी है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, हम इसके जो हमारा नुस्खा है आज का उसके कंपोनेंट है, ये मेन कंपोनेंट है यहाँ पर पांच कंपोनेंट है। फ्रेंड जान लेते हैं उनके बारे में वन बाय वन, जान लेते हैं इसकी क्या खासियत है, क्या किसके यूजफुल है, क्या किसके बेनिफिट है, ये जान लेते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले बात करते हैं अश्वगंधा की, बात करते हैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं इधर, आप देख सकते हैं अश्वगंधा। तो फ्रेंड क्या है ये, अगर आप जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी स्टार्ट हो गई, तो क्या ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है फ्रेंड आज के। तो फ्रेंड क्या है आज के युवा के लिए क्या है काफी इंपॉर्टेंट है, आज के युवा को इनके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए और उनको लेना ही चाहिए। तो क्या है सफेद मूसली के नाम से जानते हैं इसको, या आप इसको व्हाइट मूसली लिख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है ये काली मूसली होती है, इसको ब्लैक मूसली भी बोल सकते हो आप, काली मूसली होती है। और फ्रेंड क्या होती है शतावरी होती है, शतावरी या वी यहाँ पे वी भी लिख सकता है। तो फ्रेंड क्या है ये, क्या है ये पांच कंपोनेंट है, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अश्वगंधा के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड क्या है अश्वगंधा, क्या है अपने आप में एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। आपने सुना होगा, आपने हर जगह देखा होगा कि जैसे जिम में आते हैं, आपने टीवी पे ऐड भी देखे होंगे, आपने आपके फोन पे ऐड आते हैं कि ये कैप्सूल लीजिए, ये कैप्सूल लीजिए जिम करने वालों के लिए। तो फ्रेंड क्या है इन कैप्सूल में ज्यादातर क्या होती है अश्वगंधा ही होती है। क्यों होती है फ्रेंड अश्वगंधा, ये एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होता है। जब आपकी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जब आपकी टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो आपकी मसल ग्रो करेगी। तो फ्रेंड क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्या है अश्वगंधा एक क्या है एक वरदान माना गया है, क्या है जो एथलीट होते हैं उनके लिए क्या वरदान होता है। तो फ्रेंड क्या करता है ये आपकी स्लीपिंग को इम्प्रूव कर देता है, क्या करता है स्लीपिंग इम्प्रूव कर देता है, आपकी मेमोरी को इंक्रीज कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। आपके अगर फटीक है, फटीक को क्या फटीक जो होता है उनकी थकान होती है उसको क्या रिड्यूस कर देता है, खत्म कर देता है। तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी क्या मसल ग्रो करने वाली होती है, ग्रो करने लगती है, आपको नींद अच्छी आती है, क्या है आपका बीपी कंट्रोल रहता है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। तो फ्रेंड क्या है ये अपने आप में एक एक क्या एक जड़ बूटी है अपने आप में, इसका आयुर्वेदा और आयुर्वेदा यूनानी यूनानी में इसका बहुत ज्यादा यूज किया गया है यहाँ पे। तो फ्रेंड क्या है ये वरदान है अपने आप में, क्या है इसको विथैनिया सोमनीफेरा फैमिली से बिलोंग करती है ये, इसका केमिकल नेम होता है विथैनिया सोमनीफेरा फैमिली से आता है ये। फ्रेंड इसको चेरी बोलते हैं, इनके विंटर चेरी बोलते हैं। सर्दी के मौसम में ये बहुत अच्छी खास होती है, आपको उसको कैसे लेना है वो सब बात करेंगे आगे।
फ्रेंड बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट के बारे में, बात करते हैं गोखरू के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड गोखरू क्या है अपने आप में, क्या है ये, एक सेक्सुअल क्या है, सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज कर देता है अपने आप में, एज अ वायग्रा काम करता है ये। फ्रेंड क्या है, एक क्या जड़ी बूटी है जो क्या है वायग्रा की तरह काम करता है, सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ा देता है, सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज कर देता है और क्या आपकी आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज कर देता है। तो फ्रेंड क्या है ये, क्या है जो मैरिड कपल है उनके लिए बहुत ही खास है, तो भाई इसलिए इसको इस नुस्खे में रखा गया है। थर्ड बात करते हैं सफेद मूसली के बारे में, बात करते हैं सफेद मूसली क्या है। ये भी क्या है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है अपने आप में, क्या है बहुत खतरनाक अच्छी तरीके से काम करता है ये। क्या है जो सफेद मूसली होती है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की तरह काम करता है फ्रेंड्स। ये क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन को लेवल को बढ़ा देता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इरेक्शन क्या है उसको इंक्रीज उसको क्या है उसको कम करके जो हमारे सेक्सुअल जेनिटल प्रॉब्लम होती है उनको कम करता है, रिड्यूस करता है और सेक्सुअल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, स्टेमिना बढ़ा देता है, यानी आपके आपके सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज हो जाती है। फ्रेंड थर्ड बात करते हैं काली मूसली, बात करते हैं काली मूसली क्या करती है, ये भी क्या है, ये स्पर्म काउंट को इंक्रीज कर देती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर देती है और क्या करती है आपका स्टेमिना इंक्रीज कर देती है, स्पर्म क्वांटिटी को इंक्रीज कर देती है। फ्रेंड क्या है, इसीलिए इनको यहाँ पर रखा गया है इस नुस्खे में। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं शतावरी की, बात करते हैं शतावरी क्या है फ्रेंड, ये जो हमारी लेडीज होती है उनके लिए क्या है एक वरदान की तरह काम करता है। शतावरी को क्या बोला गया है, इसको जो इसको यूज करते हैं हार्मोनल इंबैलेंस में इसको ज्यादातर यूज किया जाता है, यानी क्या है प्रोलैक्टिन का लेवल जो हमारे हार्मोन होते हैं प्रोलैक्टिन होता है जो मेमोरी ग्लैंड होता है सीक्रेशन, जब जो लैक्टेटिंग मदर होती है यानी जो बच्चे को दूध पिलाती है माँ, उसमें जब दूध उतरता है उनकी उसकी ब्रेस्ट में तो क्या है उसकी उसकी ब्रेस्ट में तो वहाँ पर क्या प्रोलैक्टिन जो हमारा हार्मोन होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्रेंड क्या करती है ये जो शतावरी होती है प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से अच्छे से क्या होता है उसकी जो लैक्टेशन मदर होती है अच्छे से बच्चे को दूध पिला पाए। तो फ्रेंड क्या है ये क्या है हार्मोनल इंबैलेंस में यूज करता है, यानी हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से क्या COPD हो जाता है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आजकल की जनरेशन में बहुत ज्यादा लेडीज में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड किसकी वजह से होता है ये, सिर्फ हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से ही देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स क्या है ये उनके लिए वरदान माना गया है शतावरी को, शतावरी क्या है इंबैलेंस में हार्मोनल इंबैलेंस में यूज की जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये बात की हमने इसके कौन कौन से कंपोनेंट रखेंगे। अब फ्रेंड सुनिए इसको बनाना कैसे, इसको आप कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड क्या है ये सभी क्या है ये बहुत आसानी से मिलने वाले आपको क्या है कंपोनेंट है जो आपको हर एक पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएंगे, आपको आप इनको आसानी से यूज कर सकते हो, आप खरीद सकते हो। पर हमारा ये क्या है अपने आप में बहुत ही सस्ता नुस्खा है आपके लिए, आपको क्या है आपको लगभग 200 रुपए में आपका ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या है किसी भी पंसारी की दुकान से आप इनको 50-50 ग्राम यानी इक्वल क्वांटिटी में पांचों को लेकर के इनको सुखा करके अपने घर में क्या आपको साबुत लेकर के आना है मार्केट से, इसको आपको पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है, साबुत लेकर के आना है क्योंकि उसमें एडल्ट्रेशन होता है मिलावट होती है, तो आप अपने घर पे रख के लाए और उसको सुखा कर अपने आप से इसको अपने हाथों से ग्राइंड करें। तो फ्रेंड क्या है सबको इक्वल अमाउंट में लेना है, आपको 50-50 ग्राम लेना है सबको मिला करके, आपको उसको एक पाउडर बना लेना है, पाउडर फॉर्म में जब बन जाए आपको 10-10 ग्राम सुबह शाम आपको लेना है इसको, 10-10 ग्राम यानी एक एक चम्मच दूध के साथ लेना है इसको। तो फ्रेंड इसको फिर देखिए आप इसका कमाल क्या कमाल होता है, आपकी बॉडी में अलग ही एक चमक देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड ये बात की हमने इस नुस्खे के बारे में, आशा करता हूँ नुस्खा आपको समझ में आया होगा पसंद आया होगा। तो फ्रेंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट में जरूर हम जरूर से जवाब देंगे आपको। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फ्रेंड चलते चलते बता दूं आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि आपका फ्रेंड भी इसका फायदा उठा सके। तो फ्रेंड क्या है बहुत ही सस्ता नुस्खा है आपके लिए, एक देसी नुस्खा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको आसानी से यूज करते हैं, जो मैरिड कपल है वो भी इसको आसानी से यूज करते हैं, अनमैरिड कपल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं भी यूज करता हूँ, मैं भी अश्वगंधा ले रहा हूँ आजकल, अभी खरीद करके लाया हूँ, तो आप भी लीजिए इसका। फ्रेंड्स क्या है अपना आपके बूस्ट है आपके लिए, आपके चेहरे पर एक अलग ही निखार देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी पसंद आई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए स्वस्थ रहिए मुस्कुराते रहिए, थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।